Hey, YTBS की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सेवन फैक्ट्स बताए थे और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के इस आई बटन पर जाकर के क्लिक करें और इस वीडियो को वॉच कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिम कॉर्बेट प्लस नैनीताल का एक कंबाइंड पैकेज। 3 नाइट 4 डेज का, जिसको एक कपल या दो कपल कंबाइंड होकर के ले सकते हैं। ये वाया कार होने वाला है, दिल्ली से स्टार्ट होगा और ये पैकेज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे कपल जिम कॉर्बेट या नैनीताल जाना चाह रहे होंगे, चाहे वो हनीमून पैकेज पर जाएं या फैमिली पैकेज पर, आप इसको लेकर के जा सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। दोस्तों, मैं निकल चुका हूं नैनीताल और जिम कॉर्बेट के बहुत ही सुहावने सफर पर। दिल्ली से हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, कैब में बैठ करके मैं निकल चुका हूं नैनीताल के सफर पर और उसके बाद जाऊंगा जिम कॉर्बेट। अपने इस पूरे टूर की आइटनरी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये बहुत ही यादगार टूर मैंने बुक करवाया था संजीव राठी जी की कंपनी के थ्रू, जिनकी कंपनी का नाम और उनका मोबाइल नंबर मैं वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी देने जा रहा हूं। अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए, मैं उसी पैकेज की जानकारी आपको आगे देने जा रहा हूं। डेस्टिनेशन था इस पैकेज का नैनीताल और जिम कॉर्बेट, जो टूर स्टार्ट हुआ था दिल्ली से। ड्यूरेशन था 3 नाइट 4 डेज का। नंबर ऑफ पैक्स हम ले सकते थे, या तो एक साथ 1 कपल जा सकते हैं या 2 कपल जा सकते हैं। नंबर ऑफ रूम्स हमको मिले थे 2 रूम, डिलक्स रूम उन्होंने ऑफर किया था। हालांकि हम 1 कपल थे, इसलिए हमको केवल एक ही रूम प्रोवाइड किया गया। ट्रैवल डेट हमारी वैलिड थी इस पैकेज की 15 दिसंबर 2021 तक के लिए, तो आप भी इस पैकेज को अभी लेकर के जा सकते हैं। आगे हम जान लेते हैं इस पैकेज की डिटेल्ड आइटनरी। ये टूर हमारा स्टार्ट हुआ था वाया कैब न्यू दिल्ली से, और न्यू दिल्ली से नैनीताल पड़ता है 280 किलोमीटर। लगभग 7 या 8 घंटे की मैक्सिमम जर्नी होती है। ऑन अराइवल पिकअप फ्रॉम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से हमने इसे पिकअप किया कैब को, और उसके बाद वो हमें लेकर के निकल गए नैनीताल के बहुत ही सुंदर सफर पर। रास्ते में हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली और एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था कि आप जब जाएंगे तो आपको मजा ही आ जाए। इवनिंग में हमने चेक इन किया होटल के अंदर, डिनर किया उसके बाद, और ओवरनाइट स्टे किया हमने नैनीताल के अपने होटल में। सेकेंड डे हमारी नैनीताल की साइट सीइंग स्टार्ट हो गई, जिस पैकेज में मैं आपको बताने जा रहा हूं, और मैं आपको फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि हम किस किस जगह गए थे, डिटेल में आपको दे रहा हूं। पहले हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमारी कैब हमको लेकर के निकल गई नैनी पीक, नैनी लेक, नैना टेम्पल, राजभवन, टिफिन टॉप, प्योरा विलेज, मॉल रोड मार्केट और तिब्बतन, जिसे हम मार्केट के नाम से भी जानते हैं। इन हम सारी जगहों पर गए थे और वहां की हमने फोटोग्राफ्स भी क्लिक करी, और एम्बियंस और यहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी थी कि मन करता था कि वहीं हम जाकर के रुक जाएं, लेकिन समय का अभाव था, बहुत सारी जगह घूमनी थी, इसलिए हम हर जगह का एंजॉयमेंट और यादें अपने दिलों में बसाना चाहते थे। उसके बाद हम वापस लौटे इवनिंग में। हमने हालांकि वहां पर जाकर के मार्केट पे ही कैब को बोल दिया कि रुक जाए, उसके बाद हमने जो है थोड़ी सी शॉपिंग करी और हम खुद पैदल निकल गए। ओवरनाइट स्टे हमने होटल में किया और वहां पर अगले दिन की हमारी यात्रा स्टार्ट होनी थी, इसलिए हम रेडी हो गए सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया हमने, चेकआउट किया होटल से और निकल गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सफर पर। आफ्टरनून में हम पहुंचे जिम कॉर्बेट और वहां पर पहुंच करके हमने देखा गर्जिया देवी टेम्पल, रिवर पॉइंट, एक्टिविटी पॉइंट, एलिफेंट राइड हमने की, केबल कार हाउसिंग, रिवर राइडिंग, ये सब हमने की, और उसके बाद हमने ओवरनाइट स्टे किया जिम कॉर्बेट के अपने होटल के अंदर। डे 4 पर मैं आपको बताता हूं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने चेकआउट किया होटल से और प्रोसीड कर लिया जिम कॉर्बेट, विजिट किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जीप सफारी के थ्रू और जिम कॉर्बेट म्यूजियम भी देखा। उसके बाद हम निकल पड़े अपने दिल्ली के सफर पर वापस बैक टू द होम, और इवनिंग हमें ड्रॉप कर दिया गया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपका ड्रॉप किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये
पूरे मेरे पैकेज की आइटनरी थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। हालांकि जो मैंने बताया उससे थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही वहां पर जगहों को विजिट किया होगा। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसकी पैकेज की कॉस्ट कितनी थी जो अभी भी वैलिड है। 3-स्टार सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी जहां हम रुके थे वहां के टूर पैकेज की जो कॉस्ट थी पर पर्सन की वो थी 8,500 रुपए पर पर्सन। नैनीताल में हम रुके थे, इन इन होटलों का ऑप्शन हमें दिया गया था, होटल विक्रांत, होटल अशोका और होटल अरोमा या इससे सिमिलर। जिम कॉर्बेट में हमारे पास ऑप्शन था वाइल्ड एग्जॉटिका रिजॉर्ट, होटल अशोका, टाइगर ट्रेल, टाइगर डैन रिजॉर्ट, यहां पर हमें रुकने का ऑप्शन दिया गया था। पैकेज में क्या क्या इंक्लूजन था, 2 नाइट एकोमोडेशन इन नैनीताल, 1 नाइट एकोमोडेशन इन जिम कॉर्बेट और साथ में हमें दिया गया ब्रेकफास्ट 3 और 3 डिनर। पूरा जो हमारा टूर हुआ था वो स्विफ्ट डिजायर कार से करवाया गया, चाहे आप 1 कपल हो या 2 कपल हो। अब आगे बताता हूं, जैसे कई लोग का सवाल होता है कि हमें ट्रेन की टिकट मिलेगी, हमें एयर की टिकट मिलेगी, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस पैकेज के अंदर मैंने पहले ही बताया कि ट्रेन और ये सब चीजें इंक्लूड नहीं है। एयर फेयर आपको दिल्ली से कैब से पिकअप करके वापस दिल्ली पर ही छोड़ा जाएगा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट। अब जान लेते हैं क्या क्या इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एयर फेयर, ट्रेन फेयर, कोई भी पर्सनल टाइप का एक्सपेंस जैसे लॉन्ड्री, टेलीफोन बिल, टिप्स, ग्रेच्युटी, मिनरल वाटर, सॉफ्ट हार्ड ड्रिंक, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, जॉय राइड, टॉय ट्रेन, ये सब कुछ आपको अपने कॉस्ट पे ही करना पड़ेगा। एडिशनल साइट सीइंग और एक्स्ट्रा यूसेज ऑफ व्हीकल, एंट्री फीस अदर देन मेंशन इन द आइटनरी आपको खुद पे करना होगा। एंट्रेंस फीस, गाइड चार्ज आपको खुद लेना होगा। एनी कॉस्ट अराइजिंग ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉकेज, ये सब आपको अपनी कॉस्ट पे बेयर करना पड़ेगा। आगे रूम हीटर चार्जेस, ये सब आपको अपने ही कॉस्ट पे पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इस पैकेज को बुक करवाना चाहते हैं, जिसको मैं खुद बुक करके गया था, और यकीन मानिए इतना हमको सपोर्ट यहाँ पे हमारे वेरीफाइड ट्रेवल पार्टनर ने प्रोवाइड किया कि शायद हमारा टूर इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस नहीं हो पाता अगर हम इस खुद पैकेज को बुक करके गए होते। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के YT भारत के अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।